हे नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिवा 5G की। जी हाँ, 4G के रिव्यू आपने बहुत सारे देखे, एक्टिवा 5G के भी बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे, पर यहाँ पर हम यूज़र एक्सपीरियंस के शायद आपको शेयर करेंगे। काफ़ी दिनों से हम यूज़ कर रहे थे एक्टिवा 5G, तो कैसी है एक्टिवा 5G, क्या आपको ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए या ये कम्पीट करती है एक्सेस को या फिर इसकी जो कॉम्पिटिटर है मेस्ट्रो, ये उसके साथ कॉम्पीट करती है, ये इनमें से कौन सी आपको लेनी चाहिए, एक्टिवा 5G आप खरीदेंगे तो आपके पैसे बर्बाद तो नहीं जाएंगे, ये सभी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको दिखाएंगे एक्टिवा 5G क्या क्या फीचर हैं इस गाड़ी में, क्या रेंज में ये मिल रही है आपके नज़दीकी शोरूम में, इसका प्राइस क्या रहेगा, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। मेनली हम फोकस करेंगे इसके फीचर्स पर और चलने पर ये गाड़ी कैसी चलती है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा था तो मुझे ये कैसी लगी, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखते हैं तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है नई LED लाइट जो मिलेगी, ये डे टाइम रनिंग के साथ में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने देखा होगा BS4 जितनी भी गाड़ियां हैं वो नॉर्म्स के तहत इसमें सभी में जो डे टाइम रनिंग LED लाइट मिलती है। फ्रंट से आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डे टाइम रनिंग LED लाइट के साथ आपको एक्टिवा 5G देखने को मिलती है। सामने से अगर देखें तो हमको जो भी सामने से देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर क्रोम फिनिश दिया हुआ है जो कि आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर पहले जो एक्टिवा 4G आ रही थी उसमें यहाँ पर क्रोम फिनिश नहीं मिला था, पर यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है। अगर आप देखते हैं तो ये क्रोम लाइन आपको दोनों साइड कैटाई टाइप में यहाँ पर बनाया गया है। वहीं अगर आप इसका मीटर देखते हैं तो ये पुरानी एक्टिवा की तरह आपको एनालॉग मीटर मिलेगा, इसमें डिजिटल मीटर आपको नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्विच नहीं मिलेगा क्योंकि आप जानते हैं BS4 नॉर्म्स के जितनी भी स्कूटर्स आ रही हैं उनमें सभी में यहाँ पर आपको जो हेडलाइट का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है क्योंकि ये हमेशा जलती रहती है। इसमें नई चीज़ एक आपको यहाँ देखने को मिली है जो कि हमारा बूट स्पेस रहता था, डिग्गी जिसको हम बोलते हैं, वो खोलने के लिए यहीं से आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको यहीं चाबी के थ्रू यहीं से खोल सकते हैं। स्विच दिया हुआ है तो सीट अगर आप दबाएंगे तो बूट स्पेस आपका जो है सीट वो खुल जाएगी। यहाँ पर एक नई चीज़ और देखने को मिलती है आपको एक्टिवा 5G में कि यहाँ पर ये आपको एक एक्स्ट्रा स्विच टाइप में मिला हुआ है, यहाँ पर आप अपना कोई भी लगेज वगैरह जो है उसको लटका सकते हैं, तो ये आपको एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी स्पेस अगर हम बात करें अपना लेग स्पेस का तो इसमें वही है जितना पहले आपको पहले वाली एक्टिवा में देखने को मिलता था, उतना ही आपको मिलने वाला है। बैक साइड से हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमको दोनों आपको देखेंगे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, बाकी ज़्यादा कुछ चेंज इसमें नहीं किया गया एक्टिवा 4G से, तो यहाँ पर 5G में थोड़े ही कुछ चेंजेस मिलते हैं आपको। थोड़ा सा जो इसकी बैक लाइट है उसमें चेंज किया गया है, यहाँ पर आपको होंडा की HET का BS4 लिखा हुआ है एक स्टिकर दिखाई देता है, साथ में एक्टिवा 5G लिखा हुआ है। HET वही है जो कि होंडा की इको टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होती है होंडा की सभी गाड़ियों में। अगर बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो यहाँ पर भी इसमें कॉम्बी ब्रेक यूज़ किया गया है कि अगर आप लेफ्ट साइड वाला ब्रेक दबाते हैं तो 30-70 के रेशियो में दोनों ब्रेक एक साथ दबते हैं, साथ में यहाँ पर आपको चोक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये गाड़ी देखने में आपको काफ़ी कुछ एक्टिवा 4G की तरह ही लगती है, आप किसी भी एंगल से इसको देखें, किसी भी एंगल से अगर इस स्कूटर को देखते हैं तो आपको एक्टिवा 4G से थोड़ा ही डिफरेंट लगती है। पर बात करें अगर इसके माइलेज की तो ये भी 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको देगी, तो बहुत अच्छा एवरेज है ये एक स्कूटर के हिसाब से। तो होंडा ने एक्टिवा 5G लाकर एक टेस्ट तो पैदा किया है बाकी अपने कॉम्पिटिटर के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा स्कूटर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा ये गाड़ी चल रही है। आप देखेंगे 1400 किलोमीटर इसको चला चुके हैं, अभी आप देखेंगे 1400 किलोमीटर हम इसको चला चुके हैं और उसके बाद भी मुझे ये गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। इसका जो आप सीट देखेंगे काफ़ी चौड़ी है, इस पर बैठने में आपको आसानी होती है। अगर हम देखते हैं
इसका बूट स्पेस, तो इसकी डिग्गी को हम आगे से ही स्विच से खोल सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ स्पेस आपको मिल जाएगा, आप अपनी कीमती सामान वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा एक पोर्ट जो कि चार्जिंग के लिए दिया गया है, अगर आप अपना चार्जर इसमें लगा लेंगे तो आप साथ में इसको अपने मोबाइल को भी इसमें रख के चार्ज कर सकते हैं। इसका जो पेट्रोल टैंक है उसकी भी कैपेसिटी पुरानी वाली एक्टिवा 4G की तरह ही है, बिल्कुल बराबर है। बाकी सब कुछ आपको 4G की तरह इस 5G में मिलता है, तो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप खरीदना चाहें तो इसको खरीद लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्टिवा 5G की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लाइक करने से मेरा जो है ना मोरल थोड़ा सा इंक्रीज होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।